जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से द क्रिकेट एक्स पर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। हम वेलकम करते हैं आपका अपने चैनल वेज ऑफ सक्सेस में, और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलें देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या हैं। आज हम टीम कंपैरिजन करेंगे, वेन स्टेट्स की बात करेंगे, पॉइंट टेबल की बात करेंगे, प्रीवियस मैचेस डिस्कस करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स बताएंगे, ड्रीम 11 टीम के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम करेंगे आपके साथ मैच की प्रेडिक्शन। चलें देखते हैं कौन सी दो टीमें हैं जिनका हम करने वाले हैं कंपैरिजन, जो होने वाले हैं आमने सामने। जी दोस्तों, तो जिन दो टीमों की आज हम बात करने वाले हैं, एक हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जबकि दूसरी टीम हमारे पास पेशावर ज़ल्मी। इन दोनों का होने वाला है मुकाबला और हम करने वाले हैं दोनों का कंपैरिजन। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और करते हैं दोनों टीम्स को कंपेयर। जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की, जिनके बीच होने वाला है मुकाबला और हम करने वाले हैं कंपैरिजन। तो देखते हैं कौन सी टीम इस वक्त लीड पे है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि PSL की सारी अपडेट्स आप तक टाइम तक पहुंचती रहें, तो बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं दोनों टीम्स को कंपेयर। जी अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, पाँच में से तीन मैच जीत के दो मैच हार चुका है, जबकि पेशावर ज़ल्मी पाँच में से तीन मैच जीत के दो हार चुका है। अगर हम हेड टू हेड की बात करें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 में से 4 मैच जीत चुका है, जबकि पेशावर ज़ल्मी 10 में से 6 मैच जीत चुका है। यानी अगर हम हेड टू हेड देखें, तो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी लीड पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ हेड टू हेड की बात की, अभी तो हम इन दोनों का जो है विन जो है परसेंटेज भी निकालते हैं और देखते हैं कौन सी टीम इस वक्त लीड पे है। जी दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग इनके विन परसेंटेज के और देखते हैं क्या चल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का विन परसेंटेज 60% है, जबकि पेशावर ज़ल्मी का विन परसेंटेज सिर्फ 50% है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें, तो 165 जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, जबकि 193 पेशावर ज़ल्मी का है। 220 हाई स्कोर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, 242 पेशावर ज़ल्मी का हाई स्कोर है। और अगर हम लोअर स्कोर की बात करें, 90 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 164 पे इस वक्त पेशावर ज़ल्मी है। तो ये तो हो गया विन परसेंटेज दोनों टीम्स की। इस्लामाबाद यूनाइटेड 60%, पेशावर ज़ल्मी जो है वो 50% के साथ विन परसेंटेज है उसका। चलें देखते हैं कौन से मैदान में दोनों टीम जो है आमने सामने होने वाली हैं। जी दोस्तों, तो ये मैच होने वाला है लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 72% चांसेस होते हैं जो पहले बैटिंग करे वो जीत जाए, जबकि 28% चांसेस होते हैं जो फर्स्ट बॉलिंग करे वो जीत जाए। अगर हम इसके एवरेज पर इनकी बात करें, 179 है एवरेज, सेकंड इन 148 है, हाईएस्ट टोटल यहाँ का 245 है, लोवेस्ट टोटल यहाँ का 90 है, हाईएस्ट चेस 203 है, लोवेस्ट डिफेंडेंट यहाँ का 182 है। जी दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फास्ट बॉलर है उनको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, 71 उनका विकेट है, जबकि 48 जो है, सॉरी यहाँ पे हम बता रहे हैं 45 जो है वो विकेट जो है वो स्पिनर की, स्पिनर को यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया वेन्यू की बात। अब चलते हैं और देखते हैं पॉइंट टेबल। लाहौर कलंदर 10 में से 7 जीत के 3 हार चुका है, मुल्तान सुल्तान 10 में से 6 जीत गया है, 4 हार गया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 में से 6 जीत के 4 हार गया है, पेशावर ज़ल्मी 10 में से 5 जीता है और 5 हार गया है। इसके अलावा कराची किंग 10 में से 3 मैच जीत चुका है, 7 हार चुका है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी 10 में से 3 मैच जीत के 7 मैच हार चुका है। ये तो हो गया अब तक की अपडेट। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक टाइम तक पहुँचती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलें देखते हैं इसके आगे हमारे पास क्या है।
जी दोस्तों, अगर हम टॉप प्लेयर की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली की, तो पहला मैच कराची किंग के खिलाफ खेल के 4 स्कोर के, सेकंड मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ नहीं हो सका, तीसरा कोयटा के खिलाफ खेल के 42 स्कोर के, चौथा लाहौर कलंदर के खिलाफ खेल के 3 स्कोर किया, जबकि पांचवा कराची किंग के खिलाफ खेल के 10 स्कोर किया। ये इस वक्त हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप प्लेयर आसिफ अली की। आगे देखते हैं उनका मैच कौन सी टीम के अगेंस्ट हुआ और उन्होंने कितना स्कोर किया। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें बताना ना भूलिएगा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप कौन से प्लेयर को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। छठा मैच कराची किंग के खिलाफ नहीं खेला, सातवां कोयटा के खिलाफ खेल के 6 स्कोर किया, जबकि आठवां मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल के 8 स्कोर किया, नौवां लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेल के 7 स्कोर कर लिया, जबकि दसवां पिशावर जलमी के अगेंस्ट खेल के 5 स्कोर किया। इसके बाद हम कोली मंडरो की बात करें, पहला कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 58 स्कोर किया, दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल के 31 स्कोर किया, और तीसरा मैच पिशावर जलमी के खिलाफ खेल के 9 स्कोर किया, और चौथा कोयटा के खिलाफ खेल के 38 स्कोर किया, जबकि पांचवा लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेला और 18 स्कोर किया। ये हो गए इनके 5 मैचेस। देखते हैं छठा मैच किसके अगेंस्ट खेला और कितना स्कोर किया। इसी के साथ आप हमें बताएगा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, हमें कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ में हमारी वीडियो लाइक भी कीजिएगा। छठा मैच कराची किंग के खिलाफ खेल के 11 स्कोर किया, सातवां कोयटा के अगेंस्ट हुआ 63 स्कोर किया, आठवां मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 40 स्कोर किया, जबकि नौवां मैच लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 11 स्कोर किया। जी दोस्तों, अब हम रोमान रईस की बात करें, तो पहला मैच कराची किंग के अगेंस्ट हुआ जिसपे 26 पे 2 किया, सेकेंड मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 25 पे 1, थर्ड पिशावर जलमी के खिलाफ खेल के 30 पे 1, जबकि छठा कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 52 पे 1 किया, जबकि सातवां कोयटा के अगेंस्ट खेल के 29 पे 1 किया उन्होंने। इस वक्त हम रोमान रईस की बात करें और देखते हैं उसके बाद अगला टॉप प्लेयर हमारे पास कौन सा है, या रोमान रईस ने अगला मैच किसके अगेंस्ट खेला था और कितना स्कोर किया। जी आठवां मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 43 पे 0 किया, और नौवां और दसवां मैच 1-2 इनका लाहौर कलंदर के साथ था, दूसरा पिशावर जलमी के साथ था जो ये नहीं खेल सके। ये हैं अब तक के टॉप प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, देखने अगला प्लेयर कौन सा है। जी अगर हम आजम खान की बात करें, पहला कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 44 स्कोर किया, जबकि दूसरा मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 16 स्कोर किया, तीसरा पिशावर जलमी के खिलाफ खेल के 9 स्कोर किया, चौथा कोयटा के खिलाफ खेल के 97 स्कोर कर लिया था, जबकि पांचवां लाहौर कलंदर के अगेंस्ट उन्होंने खेला और 4 स्कोर किया था। देखते हैं आजम खान ने छठा मैच कौन सी टीम के अगेंस्ट खेला था और कितना स्कोर किया था। इसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। छठा मैच कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 72 स्कोर किया, सातवां कोयटा के अगेंस्ट खेल के 35 स्कोर किया, जबकि आठवां मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 3 स्कोर किया, नौवां लाहौर कलंदर के खिलाफ खेला गया जिसमें उन्होंने 0 स्कोर किया, दसवां मैच जो कि उनका पिशावर जलमी के साथ था वो नहीं खेल सके। जी अगर हम शादाब खान की बात करें, पहला कराची किंग के खिलाफ हुआ 40 पे 0 किया, दूसरा मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 1 स्कोर किया 42 पे 1 किया, तीसरा पिशावर जलमी के खिलाफ खेल के 1 स्कोर किया 26 पे 1, चौथा कोयटा के अगेंस्ट खेल के 12 स्कोर करके 24 पे 2 किया, जबकि पांचवा लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 4 स्कोर किया लेकिन 34 पे 2 दी उन्होंने। इसके बाद देखते हैं शादाब खान जो कि इस्लामाबाद के टॉप प्लेयर्स में आते हैं, इनका छठा मैच कौन सी टीम के अगेंस्ट हुआ। कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 21 पे 0 किया, जबकि सातवां कोयटा के अगेंस्ट खेल के 8 स्कोर करके 32 पे 0 की, आठवां मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 44 किया और 26 पे 2 दिया, नौवां लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 12 स्कोर किया 32 पे 0 किया, जबकि दसवां मैच पिशावर जलमी के अगेंस्ट खेल के 25 स्कोर किया और 42 पे 2 किया। यह है अब तक के शताब खान के परफॉर्मेंस। अगर टॉप कुरान की बात करें, तो पहला कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 42 पे 2 किया, दूसरा मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल के 32 पे 1 किया, तीसरा पिशावर जलमी के खिलाफ खेल के 30 पे 0, पांचवा लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 10 स्कोर किया 34 पे 3 किया, जबकि छठा कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 43 पे उन्होंने 2 दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने कैसा परफॉर्म किया और किस टीम के अगेंस्ट खेला कितना स्कोर किया।
इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि PSL की सारी अपडेटेड न्यूज़ आप तक टाइमली पहुंचते रहें, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। जी नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सा मैच किस किस अगेंस्ट खेला और कितना। मानुल्ला गुरबाज हैं, पहला मैच कराची किंग के अगेंस्ट नहीं हुआ, दूसरा मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट नहीं हुआ, तीसरा पिशावर जलमी के खिलाफ 82 स्कोर किया जबकि 14 कोयटा के अगेंस्ट 8 स्कोर किया जबकि पाँचवा लाहौर कलंदर के अगेंस्ट 23 स्कोर किया। अब देखते हैं नेक्स्ट इनका परफॉर्मेंस कैसी थी, हम आपको साथ साथ अपडेट करते हैं। आप हमें ये भी बताइए कि आपका इनमें से फेवरेट टीम कौन सी है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। हम ये आपको बताते हैं कि टॉप प्लेयर्स कौन से हैं। जी छठा मैच उनका हुआ कराची किंग के अगेंस्ट जो नहीं हो सका उनका, सातवां कोयटा के अगेंस्ट करके उन्होंने 0 स्कोर किया, आठवां मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 25 स्कोर किया जबकि नौवां लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 15 स्कोर किया। अगर दसवें मैच की बात करें तो पिशावर जलमी के अगेंस्ट इनका हुआ जिसमें इन्होंने 33 स्कोर किया। इस वक्त हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स की, अगर ऐसी विनदार दुसान की बात करें, पहला कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 31 स्कोर किया जबकि दूसरा मुल्तान सुल्तान के गेंस खेल के 49 स्कोर किया, तीसरा पिशावर जलमी के गेंस खेल के 41 स्कोर किया, चौथा कोयटा के गेंस खेल के 1 स्कोर कर लिया था। अगर हम पांचवें मैच की बात करें तो लाहौर के अंदर के गेंस इनका मैच हुआ था जिसमें इन्होंने 3 स्कोर किया था। नेक्स्ट देखते हैं इनका छठा मैच किस टीम के गेंस हुआ था, उन्होंने कितना स्कोर किया था। जी इस वक्त हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप प्लेयर्स की, जिनका छठा मैच हुआ था कराची किंग के अगेंस्ट 22 इन्होंने स्कोर किया था, बाकी मैचेस ये नहीं खेल सके, सातवां जो कोयटा के अगेंस्ट था उसके बाद मुल्तान सुल्तान बाकी टीम्स के अगेंस्ट था। जी अगर पिशावर जलमी की टॉप प्लेयर की बात करें, हमारे पास बाबर आजम है, पहला मैच कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 68 किया जबकि दूसरा मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल के 9 स्कोर किया, तीसरा कोयटा के खिलाफ खेल के 19 स्कोर किया जबकि चौथा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेल के 75 स्कोर कर लिया था, पांचवा लाहौर कलंदर के खिलाफ खेल के इन्होंने 7 स्कोर किया था। हम बात करें इस पर पिशावर जलमी के टॉप प्लेयर्स की, जिसमें नंबर फर्स्ट पे हमारे पास बाबर आजम हैं। अब देखते हैं छठा मैच इनका कौन सी टीम के अगेंस्ट हुआ था और कितना इन्होंने स्कोर किया। छठा मैच कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 0 स्कोर किया जबकि सातवां मैच देखा जाए तो लाहौर कलंदर के खिलाफ खेल के 50 स्कोर किया और आठवां कोयटा के अगेंस्ट खेल के 115 स्कोर किया और नौवां मैच उन्होंने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेला था जिसमें उन्होंने 73 स्कोर किया। अगर साइम अयूब की बात करें, पहला कराची किंग के अगेंस्ट हुआ 1 स्कोर किया, दूसरा मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 53 स्कोर किया, तीसरा मैच कोयटा के अगेंस्ट खेल के 0 स्कोर किया, चौथा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेल के 3 स्कोर किया जबकि पांचवा मैच उनका लाहौर कलंदर के खिलाफ हुआ जिसमें उन्होंने 51 स्कोर किया था। जी चलते हैं आगे और देखते हैं साइम अयूब की बाकी की परफॉर्मेंस कैसी रही और उन्होंने कितना स्कोर किया था। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। छठा मैच कराची किंग के गेंस खेल के 1 स्कोर किया, सातवां लाहौर कलंदर के गेंस खेल के 68 स्कोर किया जबकि आठवां कोयटा के गेंस खेल के 74 स्कोर किया, नवा मैच उनका मुल्तान सुल्तान के गेंस हुआ जिसमें उन्होंने 58 स्कोर किया था। अगर हम टॉम कॉलर कैडमोर की बात करें तो पहला मैच कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 92 स्कोर किया, दूसरा मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 3 स्कोर किया, तीसरा कोयटा के खिलाफ खेल के 9 स्कोर किया, चौथा इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल के 1 स्कोर किया, पांचवा लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 55 उन्होंने स्कोर किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और छठा मैच कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल के उन्होंने कितना स्कोर किया था। चलें चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। छठा मैच कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 56 स्कोर के, सातवां लाहौर कलंदर के खिलाफ खेल के 36 स्कोर के, आठवां कोयटा के खिलाफ खेल के 7 स्कोर के, नौवां मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेला गया जिसमें 38 स्कोर के, जबकि दसवां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल के उन्होंने 12 स्कोर किया। अगर रोमान पोवल की बात करें, पहला कराची किंग के खिलाफ नहीं खेला, दूसरा मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल के 23 स्कोर किया, तीसरा कोयटा के खिलाफ खेल के 36 स्कोर किया, चौथा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेल के 0 स्कोर किया जबकि पांचवा मैच लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के उन्होंने 64 स्कोर कर लिया था। यह है इनकी अब तक की परफॉर्मेंस और देखते हैं छठा मैच कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल के उन्होंने कितना स्कोर किया था और कैसी रही इनकी फर्दर परफॉर्मेंस।
चलें इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। छठा मैच कराची किंग के खिलाफ नहीं खेला, सातवां लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 9 स्कोर किया, जबकि आठवां कोयटा के अगेंस्ट खेल के 35 स्कोर कर लिया था, नौवां मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल के 2 स्कोर तो किया, लेकिन दसवां जो उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट था उसमें वो नहीं प्ले कर सके। चलें देखते हैं आगे वीडियो और देखते हैं कौन सा टॉप प्लेयर है हमारे पास। जेमी निशान की बात करें, पहला कराची किंग के अगेंस्ट हुआ 16 स्कोर किया, 26 पे 2 दिया, दूसरे मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 12 स्कोर करके 40 पे 0 की, तीसरा कोयटा के अगेंस्ट खेल 38 स्कोर किया, 28 पे 1 की, चौथे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल के 6 स्कोर किया, 28 पे 1 के लिए लिया, पांचवा लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 12 स्कोर किया जबकि 42 पे उन्होंने 0 ली थी। अब देखते हैं जेमी निशाम की फर्दर परफॉर्मेंस कैसी थी और छठा मैच कौन सी टीम के अगेंस्ट प्ले करके उन्होंने कितना स्कोर किया था। छठा उनका मैच नहीं था, जिसके बाद अगर हम बात करें वहाँ रियाज की, पहला मैच कराची किंग के अगेंस्ट हुआ 34 पे 2 किया, दूसरा मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 44 पे 0 किया, जबकि तीसरा मैच कोयटा के अगेंस्ट हुआ 25 पे 0 किया, चौथा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेल के 33 पे 0 किया, पांचवा मैच लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 45 पे 2 लिया। ये है अब तक के 5 मैचों की वहाँ रियाज की परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और कौन से टीम के अगेंस्ट उन्होंने प्ले किया था और ना स्कोर किया। छोटा कराची किंग के अगेंस्ट खेल के 36 पे 0 किया, सातवां लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल के 14 पे 3 दिया, आठवां कोयटा के अगेंस्ट खेल के 56 पे 1 बनाया, जबकि नौवां मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेल के 32 पे 1 किया और दसवां मैच जो कि उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट था वो नहीं खेल सके। ये होगी वहाब रियाज की परफॉर्मेंस जो कि पेशावर जलमी के टॉप प्लेयर हैं। आगे देखते हैं कौन सा टॉप प्लेयर पेशावर जलमी का हमारी टीम में है, बल्कि आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। अब तक के लिए हमारे वीडियो यहीं तक थी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइंदा आने वाले वीडियोज़ देखना चाहते हैं हमारे बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। जी अपना ख्याल रखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।